करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। थाने के पास एक साथ मरे मिले 12 सांड। केंद्र सरकार कानून लाकर जल्द बनवाए राम मंदिर। राहुल गांधी की राजनीतिक पाठशाला है बुंदेलखंड। अब खबरें विस्तार से। औरैया में लोगों ने कुआ गांव चौकी के समीप सड़क पर दर्जन भर भारी भरकम सांडों को मृत पड़ा देखा तो सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन शवों को ठिकाने लगाने के लिए जेसीबी मशीनों का इंतजाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी रन में बाबा रामदेव ने एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। बाबा रामदेव का कहना है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द राम मंदिर मुद्दे पर कानून लाए और अयोध्या में मंदिर का निर्माण करवाए। धर्म संसद तो संसद पर मात्र दबाव बनाने के लिए है, असली काम तो संसद में होना है। संसद देश के न्याय का सर्वोच्च मंदिर है और मोदी जी जैसा राम भक्त और राष्ट्रभक्त आखिर और कौन होगा प्रधानमंत्री। मोदी जी को संसद में विशेष प्रस्ताव ला करके कानून बना करके मंदिर बनाने का रास्ता साफ करना चाहिए। जितने भी कांटे हैं उनको हटाना चाहिए। ये तो विश्व विदित है कि अयोध्या राम की भूमि है, कोई बाबर की या कोई किसी और की तो भूमि है नहीं, तो इसमें कहीं प्रश्न ही नहीं आता। और सुप्रीम कोर्ट से इतना विलंब हो रहा है, वहाँ से कोई मार्ग दिखता नहीं है, तो एक ही विकल्प बचता है, संसद में कानून बना करके और मंदिर बनाए। भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते सूबे में दिग्गजों का दौर जारी है। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बुंदेलखंड आ रहे हैं। बुंदेलखंड को राहुल गांधी की राजनीतिक पाठशाला माना जाता है। यूपीए के वक्त उन्होंने बुंदेलखंड के लिए आर्थिक मदद के रास्ते भी खुलवा दिए थे। लेकिन क्या वे यहाँ आकर शिवराज सिंह चौहान की सियासत को भेद पाएंगे? एक जमाने में बुंदेलखंड कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस की जड़ें रही हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता उस इलाके से निकलते रहे हों, चाहे विद्यावती चतुर्वेदी हों और चाहे दशरथ जैन हों, चाहे केदारनाथ जी हों और चाहे हेतराम दुबे हों। उन जड़ों की तलाश में राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि उर्वरा भूमि है। दरअसल कांग्रेस का जो आधार वोट बैंक है वो गांव में बसता है, जनजातीय क्षेत्रों में बसता है, अनुसूचित जाति के बीच बसता है। पिछले 10-15 सालों में स्थितियां थोड़ी बदली हैं और मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजिकल उनका मूव है, इसलिए वो बुंदेलखंड की तरफ बार बार पहुंचते हैं। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।